दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कितने ही ऐसे मौके आए हैं जब एक साथ दो भाइयों ने अपने अपने देश के लिए क्रिकेट खेला हो। इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि ऑस्ट्रेलिया के स्टीववा और मार्कवा तथा चैपल ब्रदर्स इयान चैपल, ग्रेग चैपल और ट्रेवर चैपल शामिल है। सिर्फ भाइयों की ही नहीं बल्कि पिता और पुत्र की जोड़ियां भी इस खेल में काफी प्रसिद्ध हुई, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भारत के सुनील गावस्कर और रोहन गावस्कर की जोड़ी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको उन पिता और पुत्र की जोड़ियों के बारे में बताएंगे जिनमें पुत्र पिता से भी ज्यादा सफल रहा। तो चलिए जानते हैं पांच ऐसी ही जोड़ियों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वाल्टर हेडली और रिचर्ड हेडली, न्यूजीलैंड के पिता पुत्र की जोड़ी वाल्टर हेडली और रिचर्ड हेडली। रिचर्ड हेडली अपने समय के सबसे तेज और शानदार गेंदबाज थे। टेस्ट क्रिकेट में रिचर्ड हेडली सबसे पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लिए। यही नहीं, अपने टाइम में वो काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज भी थे। उनके नाम अपने टाइम के महान ऑलराउंडर्स में से भारत के कपिल देव, पाकिस्तान के इमरान खान और इंग्लैंड के इयान बोथम के साथ जोड़ा जाता था। जबकि उनके पिता वाल्टर हेडली ने अपने देश के लिए सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेले। बतौर खिलाड़ी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, जबकि एक कार्यकारी के तौर पर उन्होंने कीवी क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। वाल्टर हेडली ने टीम के लिए 1937 में इंग्लैंड दौरे से खेलना शुरू किया था और मार्च 1951 में अपना आखिरी मैच खेला था। 2006 में 91 साल की उम्र में वाल्टर हेडली का देहांत हो गया था। इफ्तिखार अली खान और मंसूर अली खान पटौदी, भारत के ये पिता पुत्र की जोड़ी काफी प्रसिद्ध है। मंसूर अली खान ने केवल 21 साल की उम्र में ही टीम की कमान संभाल ली थी, पर कुछ ही समय बाद एक कार एक्सीडेंट में उनकी एक आंख चोटिल हो गई थी, जिस कारण उनकी उस आंख से काफी कम दिखने लगा, जिसका पूरा पूरा असर उनके खेल पर पड़ा। मंसूर अली खान भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे। उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपनी कप्तानी से भी देश का नाम काफी ऊंचा किया। टीम की पहली विदेशी टेस्ट जीत के कप्तान भी मंसूर अली खान पटौदी ही थे। जबकि उनके पिता इफ्तिखार एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत और इंग्लैंड दोनों देश के लिए खेले। उन्होंने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक बनाया। इफ्तिखार सिर्फ 6 मैच ही खेल पाए। 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना अंतिम मैच खेला, जबकि भारत के लिए वो 3 मैचों में फेल रहे। पीटर पोलाक और सान पोलाक, साउथ अफ्रीका के पिता पुत्र की जोड़ी पीटर पोलाक और सान पोलाक है। सान पोलाक अपने समय के सबसे कामयाब तेज गेंदबाज थे। उनके नाम आज भी साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। वो अपने टाइम के लाजवाब बल्लेबाज भी थे। 90 के दशक में पोलाक और एलन डोलांड बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। सान ने अपने 108 टेस्ट मैचों में सर्वाधिक 421 विकेट निकाले। यही नहीं, उनके नाम 32.31 के बैटिंग औसत से 2 शतक भी जमाए। उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी अपने देश के लिए सबसे ज्यादा 387 विकेट लिए। साल 2008 में टीम से संन्यास लेने वाले पोलाक ने T20 क्रिकेट भी खेला। दूसरी ओर उनके पिता पीटर पोलाक ने केवल 28 टेस्ट खेले, लेकिन उन्होंने उसमें 116 विकेट निकाले, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 38 रन देकर 6 विकेट रहा। इसलिए उनके बेटे सान पोलाक का रिकॉर्ड उनसे ज्यादा बेहतर रहा। योगराज सिंह और युवराज सिंह, युवराज सिंह ने भारत के लिए काफी क्रिकेट खेली। युवी भारत के सबसे कामयाब बल्लेबाज माने जाते हैं। यही नहीं, युवी एक अच्छे बॉलर भी हैं। युवराज सिंह को 2011 वनडे वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला था। युवराज सिंह T20 क्रिकेट में सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने वाले सबसे पहले और इकलौते खिलाड़ी भी हैं। उनके पिता योगराज सिंह भी देश के लिए खेले, पर बिल्कुल भी सफल नहीं रहे। योगराज राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट खेला था, जिसमें वे सिर्फ एक ही विकेट ले पाए, जबकि उन्होंने टीम के लिए मात्र 5 वनडे मुकाबले खेले और सिर्फ 4 ही विकेट ले सके। बतौर खिलाड़ी उनका करियर बेहद खराब रहा। मिकी स्टुअर्ट और एलेक स्टुअर्ट, एलेक स्टुअर्ट ने अपने वनडे करियर का आरंभ 1989 में श्रीलंका के विरुद्ध किया था। एलेक बहुत बेहतरीन सलामी बल्लेबाज थे और टीम के लिए एक बेहतरीन स्पिनर बॉलर भी थे। स्टुअर्ट ने 2003 में टीम से संन्यास लिया था। तब तक टेस्ट में 8463 और वनडे में 4677 रन बनाए, जबकि उनके पिता मिकी स्टुअर्ट भी एक बेहतर ओपनिंग बल्लेबाज और शॉर्ट लेग के लाजवाब फील्डर माने जाते थे। उन्होंने
के लिए काफी काउंटी क्रिकेट खेली। उसके बाद 1954 में अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जमाया था। मिकी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 30 साल की उम्र में खेला था। भारत दौरे पर 1963-64 में वो इंग्लैंड के कप्तान बने। उनका करियर काफी छोटा था, वो सिर्फ दो ही अर्धशतक लगा पाए।